दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ आपने मेरी माँ के जीते जी तो कभी मुझे मायके भेजा नहीं, अब जाने के बाद क्यों भेज रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुबह के 5 बज रहे थे, मधु और उसका पति गहरी नींद में सोए थे। मधु के पति के फोन रिंगटोन बजी। मधु का पति अभिनव तो गहरी नींद में खरारटे ले रहा था, वही मधु को भी खूब गहरी नींद आ रही थी। फिर भी मधु की नींद फोन की घंटी सुनकर खुल गई। मधु ने हड़बड़ाकर घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मधु का दिल एकदम से बैठ गया कि सुबह के 5 बजे कौन फोन कर रहा है इतनी सुबह सुबह, ऐसा क्या कोई जरूरी काम हो गया किसी को। मधु ने फोन उठाया तो देखा उसके भाई का फोन था। मधु का दिल किसी अनहोनी की आशंका में बैठ गया। मधु की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए मधु के मन में अपनी माँ का ही ख्याल आया। अचानक उसने जल्दी से घबराते हुए अपने भाई से पूछा, क्या हुआ भैया, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर रही हो। उधर से मधु का भाई मधु की आवाज़ सुनकर फपक फपक कर रो पड़ा और बोला, अरे मधु दीदी माँ नहीं रही, रात को 2 बजे माँ अचानक सर बसी। मैंने कल जीजा जी को फोन करके बताया था कि माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, हो सके तो आप मधु दीदी को एक बार मिलने के लिए भेज दो, आपका तो सभी शॉप आ रहा था। दीदी जीजा जी ने कहा कि अभी 2 दिन तक हमारे घर में सत्संग के पाठ चल रहे, मधु को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, घर मेहमानों से भी भरा पड़ा हुआ है, मधु अभी नहीं आ सकती, बाद में आ जाएगी। और ऐसा बोलकर उन्होंने फोन काट दिया था। दीदी हमें नहीं पता था कि माँ असाधक सल ही जाएगी, पर अब तो आप आ जाओ दीदी माँ के अंतिम दर्शन करने, और आपने छोटे भाई और अपनी भाभी को भी संभालो। मधु के भाई ने रोते रोते फोन रख दिया। फिर मधु की रुलाई सिर्फ आंसुओं से बह रही थी, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका मन कर रहा था वह जोर जोर से माँ माँ करके सीखे और रोए, पर मधु तो निडासी होकर वह तो पत्र बनकर बैठ गई थी। फोन को पकड़े हुए और अपने आप को कोसने लगी, ससुराल की जिम्मेदारियों में बिजी हो गई। 2 दिन से फोन तक उसका स्विच ऑफ पड़ा है, घर में सास ने सत्संग के पाठ रखवा रखे है, सब पैमानों को बुला रखा, मधु को 2 दिन से 1 मिनट का सैन भी नहीं मिला। रात आ फुर्सत लेने का सत्संग का पाठ पूरा हुआ था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से थकी हुई मधु को भी गहरी नींद आ गई थी। फोन को उसने एक बार देखा भी नहीं था, वह तो सोच रही थी सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ को ही फोन करेगी। काम की व्यवस्था के चलते 4-5 दिन से मधु अपनी माँ से बात ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि मधु की माँ बीमार तो रहती थी, मधु का पियर और ससुराल एक ही जगह है। मधु जब भी अपनी माँ से मिलने का मन बनाती, मधु की सास और मधु के पति दोनों का एक ही जवाब होता, अरे मायके का एक ही जगह होने का मतलब ये थोड़ी होता, तो जब सावधव अपनी माँ से मिलने चली आओ जाओ, अरे बुढ़ापे में बीमारियाँ तो आए दिन लगी रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है तो उनका थोड़ा सा सिर दर्द होने पर ही चली जाओ। सास ताना मारते हुए कहती, अरे बहू ये रोज रोज अपने मायके जाने की जिद मत किया करो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें समझाती नहीं है, बार बार बेटा मैं बीमार हूँ, थोड़े दिन की मेहमान हूँ, मिलने आ जाया कर, बोल बोल कर अपनी बेटी को मायके बुलाती रहती है।
मधु अपनी सास और पति से बोलती, सामान्य बीमारी और किसी गंभीर बीमारी में फर्क होता है और आप दोनों को पता है मेरी माँ गंभीर बीमारी से गुजर रही है। क्या हो गया अगर महीने में दो बार मैं जाकर उनसे मिल आती हूँ तो? अरे बाबूजी तो मेरे पहले से ही नहीं है, भैया भाभी दोनों नौकरी करते, माँ है तब तक आने के लिए कहती है और माँ कब तक रहेगी? अब वो भी कभी भी जा सकती है, ऐसा बोलकर बार बार मैं माँ से मिलने जाती हूँ और माँ भी ऐसा सोच कर ही मुझे बार बार मिलने के लिए बुलाती है और वह भी मैं एक ही शहर में हूँ तब, वरना मेरी माँ भी मुझे दूर से कहीं बुलाती बार बार मिलने के लिए। पर दोनों बाप बेटे मधु की बात को काट देते और कहते, अरे तू दोनों माँ बेटी की माया तो तुम ही जानो, कई बार मधु जा पाती, कई बार दोनों माँ बेटे के रूप के व्यवहार को देखकर साकर भी माँ से मिलने का मन होता तो भी मना कर देती, पर उसका दिल बहुत रोता था माँ से मिलने के लिए। मधु को गुस्सा तो इस बात का आ रहा था कि उसके पति अभिनव को कल फोन भी आया था, उसके भाई का भाई ने साफ साफ बोल भी दिया था कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, मधु को भेज दो। पर उसके पति ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई थी और उनका तो खुद का भी फर्ज था, ऐसी बात सुनकर खुद उसके साथ चलते। अरे सत्संग से बढ़कर उसके लिए पहले उसकी माँ थी, मधु मन ही मन में गुस्सा होते हुए बोली, अरे भाड़ में गए ऐसे सत्संग और ऐसे सत्संग कराने वाले लोग जिनके मन में कोई दया नहीं, कोई मानवता नाम की चीज नहीं। आडंबर लोगों की आडंबर दुनिया जा जीते जी इंसान की कदर नहीं करने देते और कहने सने हैं सत्संग जा जीते हुए इंसान की खबर तक नहीं पूछ रहे और ज्ञान दे रहे लोगों को माँ बाप की सेवा करने का। मधु ने अपने आप को संभाला, उठकर खड़ी होने लगी, तभी अनिल अभिनव की आंखें भी खुल गई। मधु की आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देखकर अभिनव घबरा कर बैठ गया और बोला, क्या हुआ मधु तो रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? मधु अपनी आंखों में आए आंसुओं को पूछते हुए बोली, सुनिए जी मेरी माँ अब नहीं रही, अब मैं मायके जाने की जिद नहीं करूँगी, अब आप लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे कभी कि मैं मायके जाने की जिद करती रहती हूँ। बूढ़ी माँ थी चली गई अपनी बेटी से मिलने का अरमान लिए ही, कल वो ने मुझे बुलाया भी था पर शायद आपके लिए मेरा जाना हुआ जरूरी नहीं था, मुझे बता देते तो शायद मैं अपने माँ से मिलने की जिद करती, पर अब देखो ना भगवान ने आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी मुझे मायके ना भेजने की, अब भला मैं किसके पास जाऊंगी मायके में? भैया भाभी तो वैसे भी नौकरी वाले, उनको तो वैसे भी टाइम नहीं है, मुझे ना कोई आपको फोन करके कहेगा कि लाडो आ जा मुझसे मिलने या मेरी लाडो को भेज दो कुछ दिन मिलने के लिए, अब आपके घर में ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, अब आपसे कभी नहीं पूछूँगी क्या मैं कुछ दिन के लिए मायके जाऊँ क्या? अब तो आप लोग मुझसे खुश रहोगे ना, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा बात यही सुनती थी आप लोगों को मेरे मायके जाने की, जो अब ख़त्म हो गई। अभी न मधु की ऐसी बातें सुनकर सतबद्ध रह गया था, उसको अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, पर अब क्या कर सकता था। मधु की तेज आवाज़ सुनकर मधु की सांस भी कमरे में आ गई थी, वो ने भी मधु की सारी बातें सुन ली थी। मधु की सास ने मधु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अपने आप को संभालो, मधु और जाओ तुम दोनों वहाँ जाने की तैयारी करो, उनकी अंतिम यात्रा में फिर देरी हो जाएगी। मधु अपनी सास से तेज भरे तेवर में बोली, अरे माँ जी आज आप मना नहीं करोगी क्या मुझे मायके जाने के लिए? तो कमाल हो गया, खुद बोल रही हो कि जा मधु नहीं तो देर हो जाएगी, आज नहीं कहोगी क्या बहू तुम्हें? हर बार भाई का जाना जरूरी है क्या? अरे भाई का जाकर क्या करूँगी, माँ के भले
अब मैं जाऊं या ना जाऊं उनको क्या पता चलेगा। अरे वह तो मुझे देखना चाहती थी, मुझसे 2 घड़ी कोई बात करना चाहती थी, तब तो आप लोगों ने मुझे भेजा नहीं, और अब कह रहे हो कि जल्दी कर, देर हो जाएगी। देर तो हो गई सासू माँ, जिंदगी भर ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी आप लोगों कि ना आप लोगों को माफ करूंगी। अरे एक बेटी विदा होकर जब ससुराल आती है ना, तो वो अपने पीछे भाई का और अपनी बात छोड़कर आती है, उनको त्याग कर नहीं आती है, जो उनसे मिलना ही वो छोड़ दी, और वो भी उनकी गंभीर बीमारी में ही। पर आप लोग क्या जानो, ये दुख तो मेरे ऊपर बीता है, इसको मैं ही समझ सकती हूँ। बस आप दोनों अपनी ये झूठी हमदर्दी दिखाना छोड़ दो, जिंदगी भर आप लोगों को माफ नहीं करूँगी। अभिनव और अभिनव की माँ दोनों आंसू साफ खड़े थे, तभी मधु के भाई का वापस एक बार और फोन आ गया। वह बोला, दीदी निकल गई हो ना, आप जल्दी आ जाओ, माँ की अंतिम यात्रा के लिए नहीं देर हो जाएगी। मधु इस बार अपनी रुलाई नहीं रोक पाई थी, ये सुनकर वह दहाड़े मार कर अब जोर जोर से रोने लगी थी। आज मधु का ये मार्मिक विलाप देकर अपनी माँ के लिए दोनों माँ बेटे अपराध बहुत से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। आखिर क्यों जब एक लड़की की ससुराल आ जाती है शादी होकर, तब माँ और मायका दोनों को गले लगाने के लिए वह बार बार क्यों अपने मन को मारती है, क्यों उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। आखिर वह मायका छोड़ कर आती है, त्याग करके नहीं आती, वह बहू बनकर ही रह जाती है। बेटी का सफर विदाई के साथ ही खत्म हो जाता है।